अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में तीन वर्ड देख रहे हैं, एक है सिंपल, दूसरा हार्मोनिक और तीसरा मोशन। तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हुए समझेंगे कि सिंपल क्यों यहाँ पे लिखा गया है, अगर सिंपल की जगह कॉम्प्लेक्स होता तो क्या होता। वैसे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चैप्टर में हमारे कोर्स में कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन नहीं है, हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन ही पढ़ना है। लेकिन फिर भी हम लोग समझेंगे इसको कि क्यों इसे सिंपल बोला जा रहा है और आखिर अगर सिंपल ना होता तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे हम लोग इसे बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल हार्मोनिक को समझने से पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ इसकी कुछ क्राइटेरिया होते हैं जब ये SHM होता है, क्योंकि ये कुछ स्पेशल केस ही होना चाहिए। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स भी होता है कुछ, तो SHM होने के लिए इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SHM भी पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत जगह आप इसे SHM के नाम से जो है जानेंगे। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन होनी चाहिए कि जब हम इसे सिंपल बोल सकते हैं। तो सिंपल बोलने के लिए क्या कंडीशन है, तो वो समझने के लिए यहाँ पे तीन पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए कि SHM कब होता है। तो उसके लिए पहली कंडीशन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये होता है कि पीरियोडिक का क्या मतलब होता है, उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि पीरियोडिक का क्या मीनिंग है। तो अभी आप इसको समझ लीजिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन होना चाहिए। दूसरा जो टर्म यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जिसे भी हम लोग डिटेल में समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए। तो ये भी एक नया टर्म है आपके लिए, पीरियोडिक तो हो सकता है आपके लिए नया टर्म ना हो क्योंकि आपने जब भी ट्रिग्नोमेट्री में साइन पढ़ा होगा, कॉस पढ़ा होगा, तो वहाँ पे पीरियड पढ़ा होगा कि अपने आप को रिपीट करता है जब कोई चीज़। तो ऑसिलेटरी हो सकता है आपके लिए नया टर्म हो, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो पॉइंट है मैथमेटिकल पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई किसी भी पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन में तो वो सफिशियंट कंडीशन है इस बात को बोलने के लिए कि मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो वो क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए निगेटिव डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के और वो भी नेगेटिव। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कभी भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं तो इनिशियल पोजीशन हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ से डिस्प्लेसमेंट लिया जाए। तो आप इस लाइन को पढ़ के इस बात को समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेना है आखिर। तो यहाँ देखेंगे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो एक और नया टर्म आ गया यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आखिर क्या होती है, वो भी हम लोग समझेंगे। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ए और एक्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो आपने पहले भी फिजिक्स छोटे में पढ़ी होगी, तो उसमें आपने पेंडुलम को देखा होगा। तो पेंडुलम को अगर हम लोग देखें तो जो पेंडुलम होता है वो कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे मोशन करता है। ठीक है, वो अपने आप को रिपीट करता है, तो धीरे 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 आप देखते हैं कि वो यहाँ पर आके चुपचाप रुक जाता है। ठीक है, तो वो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, जहाँ पर अब आप देखेंगे कि उसमें टेंशन फोर्स लग रहा होगा, MG लग रहा होगा, और वो अपने आप को बैलेंस कर लिया। तो ये है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से वही यहाँ पर लिखा गया है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने पर आप देखेंगे कि वो जो है उस पोजीशन से, मीन पोजीशन भी इसको बोलते हैं हम लोग, और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये हम लोग डिटेल में सारी बातें यहाँ पर समझने वाले हैं। तो ये तीन पॉइंट हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिनको समझना है, जिसमें से जो पहला पॉइंट है वो अब हम लोग समझने जा रहे हैं, जो कि है पीरियोडिक मोशन। तो वेन अ मोशन रिपीट्स कॉन्टिन्यूसली आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज टर्म्ड एज पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन वो होता है जो अपने आप को हर किसी टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे। जैसे कि आप कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आपकी साइकिल, तो साइकिल का जो पहिया है वो अपने आप को रिपीट करता है।
ठीक है, आप देखते हैं कि वो एक सर्कल कंप्लीट करता है, फिर से आता है, फिर से आता है, तो अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करे तो वो पीरियोडिक मोशन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आप अर्थ को देख सकते हैं कि अर्थ जो है वो सन के चक्कर काटता है, तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन है क्योंकि वो भी अपने आप को रिपीट करता है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे पीरियोडिक मोशन देख सकते हैं। आपकी घड़ी में आप देख सकते हैं कि घड़ी भी 24 घंटे बाद जो है उसमें एक नया दिन आता है, और एक घंटे में आप देखते हैं कि जो मिनट की सुई है वो 60 जो है सेकेंड, वो 60 मिनट्स का चक्कर लगाती, 360 डिग्री घूम के आती है। तो ये सारे मोशन जो है पीरियोडिक मोशन है। लेकिन क्या सारे पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है? ये जवाब हम अभी जो है ये बात हम यहाँ से अकेले इस पॉइंट से नहीं बता सकते, क्योंकि अगर ये अकेले पॉइंट हो जाता तो इन दोनों पॉइंट्स की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब कि जो पीरियोडिक मोशन है वो जरूरी नहीं है कि सारे पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, लेकिन सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन होंगे, यानी उनका टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। तो टाइम पीरियड को अब हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? उसको हम लोग हमेशा कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो टाइम इंटरवल किसी भी पीरियोडिक मोशन का हमेशा कैपिटल टी से डिनोट किया जाएगा। तो वो जो टाइम पीरियड है, इसका मतलब कि हर एक साइकिल इस टी इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करने वाली है। और एक आप नया टर्म सुनते हैं, आपने क्लास 9 से भी इस टर्म को सुना होगा, फ्रीक्वेंसी। तो जिसको हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ कंप्लीट मोशन पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में कितनी साइकिल्स हो गई हैं उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब उतनी ज़्यादा जो है साइकिल्स कंप्लीट यहाँ पर हो रही हैं। तो उसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि कैपिटल टी यूज़ करना है, ना कि स्मॉल टी। और जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, SI यूनिट्स उसको बोलते हैं हर्ट्ज़, और उसको दूसरी यूनिट भी है साइकिल्स पर सेकेंड। अगर हम यूनिट टाइम को सेकेंड लेते हैं तो वो साइकिल पर सेकेंड, ये एक SI यूनिट है। और यहाँ पर एक समझने वाली बात है, और भी कई फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एक फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, जिसके टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। ये जो है टाइम पीरियड निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं।